बनाने जा रहे हैं टोफू की सब्जी। पनीर की सब्जी तो बहुत लोगों ने खाई होगी, लेकिन टोफू आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार खाएंगे। और ये मैं बहुत ही झटपट सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनाने वाली हूँ, और वो भी कुछ 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो ये पांच पांच झटपट बन जाएगी। सबसे पहले हम टोफू के फायदे जान लेते हैं, जैसे कि इस पे लिखा भी है पैकेट पे एडवर्टाइजमेंट के लिए कि टोफू बहुत हाई प्रोटीन होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल जीरो होता है और लो फैट होता है। जब हम पनीर की बात करते हैं तो पनीर में फैट जो होता है वो प्रोटीन के अकॉर्डिंग जितना ही होता है। अगर 4 ग्राम प्रोटीन है तो 4 ग्राम फैट होगा। लेकिन टोफू की खासियत ये होती है कि इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और फैट की क्वांटिटी थोड़ी सी कम। और ये सोए मिल्क से बना होता है, तो जो लोगों को मिल्क सूट नहीं करता मतलब जो लोग लैक्टोज इनटॉलरेंट होते हैं, जिनकी बॉडी में मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ ऐसी बीमारियां बच्चों को भी होती हैं, तो वो पनीर की जगह इस टोफू को प्रेफर कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो इस टोफू की सब्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो यूज होने वाले हैं यहाँ पे टमाटर, या मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, सॉरी स्मॉल साइज है ये, तो मीडियम साइज हो, बिगर हो तो आप 2 से भी काम चल सकता है। एंड 2 अनियंस ली है, और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऑप्शनल ऐड किया है कॉर्न। तो कॉर्न मैंने ऐसे सीधा ले लिया, इसको मैं कट कर लूंगी, या फिर आप ऑप्शनल में जो पैकेट में आते हैं कॉर्न वो भी ले सकते हैं, और बेबी कॉर्न भी यूज कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके अलावा फिर मैंने हरी मिर्च यहाँ पे यूज की हुई है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 3 हरी मिर्च डालूंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और जो मसाले में यूज करने वाली है वो यहाँ पे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये है चिकन मसाला, और यहाँ पे मैगी मसाला मेरा फेवरेट, एंड घी यहाँ पे यूज होगा। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी जब बनती है जब आप सब्जी को हम घी में बनाएं, या फिर आप इसको बटर में बनाएं, पर यहाँ पे मैंने जो घी यूज किया है ये गाय का घी है प्योर, तो ये मैं अपने घर से मंगवाती हूँ गाय का घी प्योर, ये आपको यूज करना है। और यहाँ पे लाल मिर्ची क्यों नहीं यूज हो रही है, आपको करनी भी नहीं ये यूज, क्योंकि हम जो टोफू बनाने जा रहे हैं वो है मलाई टोफू, मखमली मलाई टोफू, वो भी इतना इजी बिना किसी पिसे मसाले के। तो यहाँ पे मैं दूध यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने फुल फैट दूध भी नहीं यूज किया, स्किम मिल्क यूज किया, अमूल का ब्लू वाला पैकेट यूज किया है, आप चाहे तो गाय का दूध भी ले सकते हैं। तो जल्दी से बनाते हैं मखमली मलाई टोफू, वो भी 5 मिनट में, और सिर्फ 1, 2, 3, इसको चाहे तो ऑप्शन में सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से और सिर्फ 4 मसालों से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्वीट कॉर्न काट लिए हैं बड़ी आसानी से नाइफ की मदद से, 1 मिनट में कट जाएगा, नाइफ को स्लाइड करिए और बेबी कॉर्न निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजों को काट लिया है। इस सब्जी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारी चीजें बड़ी बड़ी काटनी है, जैसे लंबी लंबी प्याज काटनी है, यहाँ पे टमाटर भी जो है मैंने यहाँ पे लंबे लंबे काटे हैं, तो इस तरीके से आपको लंबे लंबे टमाटर काटना है। तो उसके अलावा जो मिर्ची ली है मैंने यहाँ पे, वो मिर्ची भी आपको ऐसे लंबी लंबी काट लेनी है। तो आपको कोई भी मेहनत भी नहीं करनी कटिंग में भी, कटिंग भी आप आसानी से कर सकते हैं। और कौन से यहाँ पे मैंने निकाल ही लिए हैं, तो सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं, और यहाँ कढ़ाई में हम घी डालेंगे। घी डाल के ये जो टोफू है, इस टोफू को हम पीसेस में कट कर लेते हैं, और उसे पहले हम घी में अच्छे से रोस्ट करके निकाल लेंगे, फिर मसाला डालेंगे। तो टोफू को इस तरीके से मैं पीसेस में कट कर लूँगी, आप जैसा चाहे वो साइज रख सकते हैं पीसेस का, मैं मीडियम साइज रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं। ये मैंने पीसेस में काट लिए हैं, तब आप देखेंगे टोफू के अच्छे से पीसेस कट गए हैं, आप चाहें तो इससे बड़े पीसेस भी ले सकते हैं। अब मैं घी डाल देती हूँ कढ़ाई में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की कि हमेशा अगर मुझे कोई सब्जी बनानी हो तो मैं आयरन रॉड का ही इस्तेमाल करती हूँ, या आयरन की कढ़ाई का, या आप स्टेनलेस स्टील यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एल्यूमिनियम बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, भले ही ऑथेंटिक या पुरानी दिखे लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, तो आपको इसी कढ़ाई का यूज करना है लोहे की। तो अब मैं टोफू को डाल लेती हूँ, पहले सबसे पहले सब्जी बनाने से पहले ये जो टोफू है इसको हल्का सा मैं रोस्ट कर लूंगी, बहुत ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का रोस्ट करना है।
चीज जो मेरा टोफू है वो अच्छे से हल्का सा जो है आप देख रहे हैं हल्का सा रोस्ट हो चुका है, मुझे इतना ही रोस्ट करना है, ज्यादा रोस्ट नहीं करना है इसको। हम निकाल लेते हैं अपनी प्लेट में वापस। तो ये टोफू जो है ये रोस्ट हो चुका है मेरा अच्छे से बिल्कुल, बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो टोफू है, टोफू स्पॉन्जी कितना है, ओ बहुत गर्म है टोफू, सच में बहुत गर्म है। तो ऐसा ना करें, तुरंत निकालने के बाद ऐसे दबा के ना देखे, मेरा हाथ जल जाएगा। हाँ तो अब मैं दिखा सकती हूँ, थोड़ा ठंडा हो गया ये, तो ये कितना स्पॉन्जी, अभी भी बहुत गर्म है बाबा, ये देखो मस्त ना स्पॉन्जी, बस 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 बस। तो मैंने जिस ऑयल में से टोफू निकाला था उस ऑयल में से मैंने टोफू निकाल लिया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी ऐड कर दिया। आपको कोई दोबारा कढ़ाई को क्लीन करने की जरूरत नहीं है, आप इसी में सारे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हरी मिर्ची जो मैंने लंबी लंबी काटी थी इसको ये अंदर डाल दूंगी मैं, थोड़ा सा पहले इसको फ्राई हो जाने दूंगी। लंबी लंबी हरी मिर्ची बहुत अच्छा टेस्ट करती है। अब ये अनियंस हम इसमें डाल देंगे, पहले अनियंस को अच्छे से फ्राई होने देंगे। इसमें हमें किसी भी चीज को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, अनियंस को भी थोड़ा सा ही रोस्ट करना है, हल्का सा पिंकिश करना है। जब हल्की सी जो अनियंस है हमारी वो हल्की सी पिंक हो जाए तो उसमें आप इसको भी ऐड कर लेंगे स्वीट कॉर्न को, क्योंकि स्वीट कॉर्न को भी पकना जरूरी है। इस स्टेज पे मैं सॉल्ट ऐड कर लूंगी, सॉल्ट ऐड करने से क्या होगा जो स्वीट कॉर्न है हमारे वो अच्छे से जल्दी पक जाएंगे। तो यहाँ पे मैं हल्का सा बिल्कुल पहले थोड़ा सा सॉल्ट फिर बाकी चीज करने के बाद ऐड करूंगी। ये सॉल्ट मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि जो स्वीट कॉर्न है वो मॉइस्चर के थ्रू मॉइस्चर निकाल के अच्छे से पक जाए। अब जो मेरी अनियंस है वो एकदम सॉफ्ट हो चुकी हैं और जो स्वीट कॉर्न है वो भी अच्छे से पक चुका है। आप एक चम्मच से इसको दबा के देख लें तो पक गया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो टमाटर है मुझे उसकी कोई प्यूरी नहीं बनानी है। यहाँ पे हम कोई पिसा हुआ मसाला यूज नहीं कर रहे, तो आपको कोई मिक्सी की एक्स्ट्रा मिक्सर ग्राइंडर की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे जो आपने लंबा लंबा काटा उसमें आपकी सब्जी बन जाएगी। तो जैसे रेस्टोरेंट में आपने देखा है जब पनीर या टोफू की सब्जी आती होगी, जनरली पनीर की ही मिलती है, तो इसमें ऐसे लंबे लंबे कट्टे होते हैं वो, लेकिन पिसे मसाले के साथ। तो यहाँ पे ऐसा आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, हमने कोई पिसा मसाला नहीं लिया, हमने ऐसे ही जनरली काट दिया है। तो टमाटर को भी आपको ज़्यादा नहीं पकाना, बिल्कुल हल्का सा पका लेंगे और इसकी कोई प्यूरी नहीं बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि टमाटर पिस जाए, तो ऐसा दिखना चाहिए लंबा लंबा, तो हल्का सा पका लें। यहाँ पे जो मेरे टमाटर हैं वो भी पक चुके हैं हल्के से, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है ये ध्यान रखना है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। तो ये मैंने लिया है यहाँ पे हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा सा ऐड करना है हल्दी पाउडर आपको, क्योंकि एक से घर का पिसा हुआ है तो बहुत ही पिंच ऑफ। तो जो दो चुटकी हल्दी पाउडर मैंने ले लिया है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं डालूंगी हरी धनिया पाउडर, चिकन मसाला, मैगी मसाला। तो ये चारों मसाले मैंने डाल लिए हैं, उसके बाद मैं इस मसालों को मिक्स कर लेती हूँ। अब इस स्टेज पे जहाँ मेरे मसाले मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे मैं इस टोफू को भी ऐड कर दूंगी ताकि अच्छे से मसालों में कोट हो जाए। तो मैं टोफू को जो है अच्छे से मसालों में मिक्स कर रही हूँ। आपको लग रहा सब्जी बनी गई, पर अभी तो जादू बाकी है। तो यहाँ पे जो मेरा दूध है इसको मैं ऐड करूंगी, जिससे बनेगा हमारा टोफू जो है वो बनेगा मलाई मखमली टोफू। आपको यहाँ पे जो उबला हुआ दूध है वही लेना है, आप अगर मलाई वाला दूध लेंगे तो बेटर है, लेकिन मैंने स्किम मिल्क यूज किया अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, तो आप मलाई मिल्क, अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप इधर अमूल क्रीम का भी यूज कर सकते हैं और स्किम मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। अभी जो दूध मैंने इसमें डाल दिया है तो ये वाइट है, अभी इसको घुमाना है अच्छे से मसाले मिक्स हो जाए। इसके बाद इसको एक लिड के थ्रू आपको बंद करके थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर पकाना है ताकि ये जो दूध है वो अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाए और दूध में सारा का सारा जो टेस्ट है वो आ जाए और दूध थोड़ा सा थिक हो जाए।
देख रहे हैं ये व्हाइट कलर की ग्रेवी कितनी सुंदर है, हम हमेशा रेड ग्रेवी खाते हैं तो ये व्हाइट बड़ी टेस्टी। और मैं बता रही हूँ सिर्फ 5 मिनट में बनी, आपने देखा ना, और कितना इजी था ये टोफू बनाना। यहाँ पे हम हल्का सा लिड क्लोज करने से पहले थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। तो ये जो घी हमने ऐड किया है, आपको पता है ऑयल और मिल्क एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, इमल्शन। इमल्शन और मिल्क ऑलरेडी ऑयल का इमल्शन है, लेकिन जब हम मिल्क में थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं तो एक इमल्शन बनता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो यहाँ पे अभी हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार नहीं हुई है, धीरे धीरे दूध जो है वो गर्म होता जाएगा, उबलता जाएगा, थोड़ा गाढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिड से क्लोज करके पका लेंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, हम उठा के देखते हैं सब्जी का क्या हाल है। अरे वाह, इसका हाल तो चकाचक है। तब सब्जी जो है आपने देखा, ऐसा लग रहा है रेस्टोरेंट में बनी हुई सब्जी है और हमने कोई पिसा हुआ मसाला नहीं डाला, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं डाली। और देखा कितनी झटपट बन गई मस्त सब्जी। लग रहा है ना जैसे बहुत सारे मसाले, पता नहीं कैसे बनाई होगी ये सब्जी, पर बहुत ईजी था। और दूध का जो कोटिंग है, जब वो हल्का सा थोड़ा सा कहीं कहीं, ये आपको दिख रहा है दूध का जो ये मलाई है वो किस तरीके से इसमें सब में कोट हो गई है, जैसे ये वाव। तो हमारी सब्जी हो गई है एकदम रेडी। अब इसको जल्दी से हम कर लेते हैं सर्व और खाते हैं गर्मा गर्म घी या मक्खन लगी हुई रोटियों से।